घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूं वो मेरे खुद के अनुभव से है, एक मेरा तजर्बा है संगीत में, कि जब हमको बहुत कुछ आता है संगीत में, मान लीजिए हम बहुत अच्छे गायक हैं, हम बहुत अच्छे हारमोनियम वादक हैं या तबला वादक हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन हमें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें कब कहाँ कितनी चीज़ लगानी है। यानी हम जब गा रहे हैं तो गाते समय हमारी गायकी में हमारे गले में बहुत सारी हरकतें हैं, हमारे को बहुत सारी सरगमें बोलना आता है, लेकिन कब कहाँ कितनी लगानी है उसी से खूबसूरती बनती है। इस चीज़ का हमेशा हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी मात्रा में कोई चीज़ है, यानी उसका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें से कितना कहाँ लगाते हैं उससे ही सजावट होती है। अब मान लीजिए आप किसी की संगत कर रहे हैं तबले पर, है ना, मतलब वो जो पर्सन है वो गाना गा रहा है और साथ में आप तबले पर संगत करने जा रहे हैं, तो संगत करते समय आपको तबले में क्या क्या बजानी है, कितना बजाना है ना, कंफर्ट के हिसाब से। कंपोजिशन किसको कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं दो तीन चीज़ों का, दो दो तीन तीन चार चार चीज़ों का ऐसे मिश्रण, उसको कंपोजिशन कहते हैं। तो उस कंपोजिशन में हर एक पार्ट का रोल होता है माना, लेकिन हर एक पार्ट कितना चाहिए वो बारीकी से उतना ही देना, ये अनुभव की बात होती है, तजर्बे की बात है। जब आप कलाकारों के साथ काम करते हैं, जब अच्छे संगीतकारों के साथ काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ सीखने को मिलती है कि गाना तो है आपको, बहुत अच्छी गायकी है, लेकिन उसमें हर लाइन में आप सरगम नहीं दे देंगे, हर लाइन में आप हरकत नहीं दे देंगे, आती है मगर कब कहाँ कौन सी कितनी लगानी है ये देखने वाली बात है, है ना। अभी जैसे मान लीजिए मैंने जो तबले का ही एग्जाम्पल दिया, अभी कोई मेरे साथ संगत करे और अब वो बहुत अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा हाथ है उसका बजाने में, बहुत सारी चीज़ें बजाना आता है, मगर वो बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है, जिस जब मैं गा रहा हूँ तब भी वो अपना कुछ लगी लड़ी कुछ तो भी लगा रहा है या वेरिएशन ज़्यादा दिखा रहा है, जब उसको नॉर्मल ठेका देना चाहिए, यानी सीधा सीधा बजाना चाहिए जब मैं गा रहा हूँ। उसी प्रकार गायकी में भी आपने एक लाइन आपने गा दी तो उस लाइन को प्रॉपर जब तक आपने डिलीवर नहीं कर दिया, वो शब्द जब तक क्लियर नहीं हो गए, तब तक आप उसमें कोई हरकत नहीं दिखाएंगे। पहले शब्द डिलीवर कीजिए, देन आप उसमें कुछ हरकत दे दिए, है ना। ये कंपोजिशन स्टाइल बता रहा हूँ, जब आप कोई गीत कंपोज करते हैं या फिर ये समझ लीजिए ग्रुप सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं जिसमें आपको हर किसी को एक कुछ कुछ गवाना है, तो उसमें क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ क्लियर हो जाए, कंटेंट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप करें। इसको काबू कहते हैं, आप काबू में रहे आपकी वो सारी चीज़ें, लय आपकी भागे ना, लय काबू में रहे, स्वर आपका काबू में रहे, है ना। हम ज़्यादा वेरिएशंस के चक्कर में क्या करते हैं, हम उसकी खूबसूरती ख़त्म कर देते हैं, है ना। यानी ये समझ लीजिए एक थाल है, अब उस थाल खाने की थाल है, ठीक है, अब उसमें अगर रोटी सब्जी होगी, थोड़े चावल, अगर दो तीन सब्जियां हो गई अलग अलग प्रकार की, तो ये उसका एक वेरिएशन हो जाएगा। और खूबसूरती लगाने के लिए मिठाई भी रख दी उसमें, अचार भी रखा है तो पापड़ भी रखा है। अब अगर आपने मिठाई ज़्यादा रख दी तो आप खाने का मज़ा नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस हिसाब से होना चाहिए, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितनी जो ज़्यादा चाहिए। अब आप रोटी सब्जी ज़्यादा खाएंगे कि मिठाई ज़्यादा खाएंगे, मिठाई तो हल्की सी होती है, अचार आप कटोरी भर के नहीं रखेंगे और सब्जी इतनी सी नहीं रखेंगे, सब्जी आप कटोरी भर के रखेंगे, अचार इतना रखेंगे, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार ये कंपोजिशन है, इसको कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों का मिला जुला बना एक चीज़। उसी प्रकार से अगर गाने में हरकतें ज़्यादा हो गई, अभी हर गायक, मैंने ये भी बताया आपको कि हर प्रकार का गायकी अलग होती है, आप गज़ल को भजन अंदाज में नहीं गा सकते, भजन को गज़ल अंदाज में नहीं गा सकते, वो वाली चीज़ें होती है, जो अंदाज है वो भी आपको समझना है। तो अंदाज तभी बदलता है जब आप वो जो बारीकियाँ हैं वो ज़्यादा कम कर देते हैं, कि ज़्यादा हरकतें डाल दी, ज़्यादा अब कोई गज़ल गा रहे हैं या कोई गीत गा रहे हैं उसमें ज़्यादा हरकतें या ज़्यादा आलाप ताने लगा दी तो वो ख्याल लगने लगेगा, हर लाइन के बाद एक सरगम डाल देते हैं आप तो वो ख्याल लगने लगेगा, है ना, गज़ल का अंदाज़ खत्म हो जाएगा, मूड खत्म हो जाएगा। तो ये जो खूबसूरती के हिसाब से चीज़ें लगाई जाती हैं ये देखने वाली बात है। अब कभी कभार ज़रूरी नहीं, और वो फील जो मूड बदलेगा कैसे, मान लीजिए कभी कभार आपने रिदम पोर्शन जो है वो लगातार वैसा ही नहीं चलता रहता, सेम ही नहीं चलता रहता, उसमें कभी कभार लाइट कर देते हैं, कभी बंद ही कर देते हैं उसको और सिर्फ गायकी चल रही होती है ना। ये मैं आपको लाइट म्यूज़िक का बता रहा हूँ, क्लासिकल का नहीं, शास्त्रीय में तो रेगुलर चलना चाहिए क्योंकि वो उसके ही बेस पर चलता है, है ना। लाइट में भी उसी के बेस पे चल रहा है, बट ऑफ कोर्स उसमें भी वही लय और ताल तो वही लग रही है, लेकिन हम लाइट में थोड़ी थोड़ी हम ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी छूट हम ले लेते हैं कि थोड़ा रिदम को हल्का कर दिया और हल्का कर दिया, बंद कर दिया और सिर्फ टेम्पो जो है गायकी में ही जा रहा है। आप आजकल के सॉन्ग्स जो सुनते होंगे उसमें ऐसे काफ़ी प्रयोग होते हैं और वो भी अच्छा लगता है, ये फ्यूजन थोड़ा सा एक नया डेवलपमेंट करते हैं लोग। तो ये क्या है, ये आप उसकी खूबसूरती को, सुकून को मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो सुकून अगर मेंटेन रख पाएंगे गायकी में तो सुकून तभी आएगा जब आप वो सारी चीज़ें देख के चलेंगे कि गायकी में
कितनी कितनी हरकतें, मुर्कियाँ, गमक, ये सारी लगानी है, मींड़ कहाँ कहाँ लगानी है और कहाँ कहाँ तबले का जो ताल पोर्शन है वो भी कैसा कैसा रहेगा, रिदम कैसी रहेगी, लय आपकी काबू में रहे, लय ज़्यादा ना भागे, है ना। लय भी आपको देखना होता है कि हर गाने को आप एक ही लय में नहीं गा सकते हो, कई गानों की लय थोड़ी आपको कम रखनी पड़ती है, किसी की तेज़ रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अनुभव की हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपोजिशंस जहाँ होती हैं अच्छे म्यूजिशियंस के साथ रहें, अच्छे संगीतकारों के साथ रहें, तो आपको तजर्बा होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था ऐसे ही मन में आया मेरे कि आप सभी तक पहुंचाऊं इस चीज़ को, ये बात, तो मैंने वीडियो बना दिया इस पर। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, एंड डेली 8 बजे एक वीडियो रिलीज़ होता है। एंड लाइक कमेंट शेयर करें इस वीडियो पर, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर फॉलो कीजिए, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।